बिना मतलब का मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ। कोई भी सप्लीमेंट कंपनी अगर प्रमोट भी मुझे करने के लिए बोलेगा तो मैं यूज करके ही उसका रिव्यू दूंगा। ऐसा नहीं कि जो जो भी है रिव्यू प्रोडक्ट खराब है फिर भी मैं अच्छा रिव्यू दे दिया। मतलब मैंने दोनों ही ट्राई किया, मैं मार्केट में देख रहा था कि दोनों अवेलेबल है, कुछ तो डिफरेंस होगा, तो जिसके लिए मैंने दोनों ही ट्राई किया और उसमें से मुझे ये रिजल्ट निकल के आया कि हे गाइस वेलकम टू माय चैनल कोडफिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज मैं दो क्रिएटिन के बारे में दिखाऊंगा जो मसल ब्लेस के तरफ से आते, दोनों ही मसल ब्लेस के तरफ से आते बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस आता है एक क्रिए प्रो में और एक नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में, क्या डिफरेंस है, क्रिएटिन किस लिए यूज होता है सबको पता है और ये कब यूज करते हैं सब कुछ हम लोग को पता है, बट हम लोग को ये नहीं पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है और जिसको यूज करने से मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग को मिल सकता है। तो मेरे पास दो जार है, एक है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और एक है आपका क्रिए प्रो। ये खत्म हो गया, मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया और इसको मैंने स्टार्ट किया 15 से 17 दिन के आसपास कुछ हुआ है। दोनों ही मसल ब्रेस के तरफ से आते हैं, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है बट ये 100 ग्राम का है, इसका प्राइस थोड़ा कम है बट ये 250 ग्राम का है। ये आपका 550 से 600 रुपए में मिल जाएगा। इसका भी जो 250 ग्राम का जो बॉक्स है वो भी आपको 500 से 550 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। बट कुछ डिफरेंस है, पहले मैं ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत मैंने नीचे जो है वो मैं जमा के रखा, आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप लोग देख पा रहे हो ये जो क्रिएटिन है, ये देखिए ये एकदम पाउडर जैसा है, ठीक है, एकदम एकदम फाइन, मतलब जो पाउडर होता है टैल्क जो होता है ना जो हम लोग लगाते हैं बॉडी में, तो वो पाउडर जैसा होता है। और अगर मैं इसको देखूं ये उतना भी पाउडर नहीं है, ये थोड़ा हार्ड फील होता है। मतलब ये आप अगर अजीनामोटो ये देखे हो या फिर आप शुगर शुगर आप देखे हो तो वैसा ही ये थोड़ा हार्ड फील होता है। मतलब ये उतना प्रीमियम मतलब फील नहीं होता है, पाउडर जैसा उतना नहीं है बट थोड़ा फील होता है, लाइक जो सैंड जो होता है बाली जो होता है वो वैसा फील होता है। अभी क्या चीज है इसमें, क्रिए प्रो में और इसमें, ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, मसल ब्लेस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी ये जो क्रिए प्रो है ये मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होता है बट जो रॉ मटेरियल है क्रिएटिन का वो इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से। यहाँ पे देखिए आप लोग, क्रिए प्रो इज ए ट्रेडमार्क ऑफ एलकेम एजी। अभी ये जो एलकेम एजी है ये कहाँ से आ रहा है देखिए, यहाँ पे मेंशन है इंग्रेडिएंट्स इंपोर्टेड फ्रॉम एलकेम एजी जर्मनी, तो ये जर्मनी से इंपोर्ट होता है जिसके लिए इसका जो पावर है इससे 100 टाइम ज्यादा आता है। मतलब ये जो क्रिएटिन है इसका जो फॉर्म है ये बहुत प्योर है और ये आपको ज्यादा से ज्यादा आपको स्ट्रेंथ और ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सरसाइज करने में जब एंड्योरेंस लगता है वो आपको फील कराएगा ये क्रिएटिन, जो मुझे भी फील हुआ है आफ्टर 10 और 15 डेज के बाद। मतलब जब मैं यूज कर रहा था ये प्रोडक्ट को मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट यूज करने में मुझे जितना ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे इससे मिल रहा है। इसका पावर भी आपको अच्छा खासा मिलेगा और ये जब आपका आप इंटेक करोगे, जब आप इंटेक करोगे उसके बाद जो आपको क्रिएटिन का जो फॉर्म जब क्रिएटिन एटीपीएम में कन्वर्ट होता है वो जो फील होता है इसमें आपको वो सारा फील आपको आएगा, आपको फील होगा कि आप स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है पुश करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो यही बात आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग क्रिएटिन खरीद रहे हो मसल ब्लेस का हो या फिर कोई भी ब्रांड का हो तो वो क्रिए प्रो मतलब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो आपका थोड़ा सैंड जैसा जो है थोड़ा हार्ड फील होगा एकदम पाउडर जो है वो वाला मत लीजिए, ये वाला ट्राई कीजिए, ये आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा, जो आप चाहते हो स्ट्रेंथ वो आपको इससे मिलेगा। इसका प्राइस भी उतना नहीं आता है, ये प्राइस आता है आपका 250 ग्राम का जो प्राइस है वो आपको मैंने बोला आपको
550 टू 600 के बीच में कुछ आ जाता है ऑनलाइन में, और ये जो जाता है ये 83 डेज जाता है, टोटल 83 डेज ये आपका चलेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी जब क्रिएटिन खरीद रहे हो सस्ते के चक्कर में, कोई भी क्रिएटिन मत लो, पहले देखो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है कि नहीं, क्रिएटिन HCL हो गया, क्रिएटिन नाइट्रेट हो गया, ये सब लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप जाइए शॉप में जाके बोलिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट देने के लिए और उसको आप खरीदिए। तो बेस्ट है आपका क्रिए प्रो जो मास्टर बेस की तरफ से आता है, ये यूज कीजिए। और ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं मास्टर बेस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने दोनों ही ट्राई किया, मैं मार्केट में देख रहा था कि दोनों अवेलेबल है, कुछ तो डिफरेंस होगा, तो जिसके लिए मैंने दोनों ही ट्राई किया और उसमें से मुझे ये रिजल्ट निकल के आया कि ये प्रोडक्ट जो है ये बेस्ट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के मामले में, ठीक है। तो वीडियो आप देखिए, ऐसा बहुत सारा वीडियो अवेयरनेस मेरे चैनल में आते रहते हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ, यूज करने के बाद जो फील होता है वो रिव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे कोई भी टीम या फिर कोई भी सप्लीमेंट कंपनी मुझे पैसा नहीं देता है कि मेरे प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर दो, और बिना मतलब का मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ। कोई भी सप्लीमेंट कंपनी अगर प्रमोट भी मुझे करने के लिए बोलेगा तो मैं यूज करके ही उसका रिव्यू दूंगा, ऐसा नहीं कि जो भी है रिव्यू, प्रोडक्ट खराब है फिर भी मैं अच्छा रिव्यू दे दिया। तो यही मेरा चैनल का खासियत है, जहाँ पे रिव्यू जो आएगा वो सही आएगा और आप लोगों का हेल्थ का मामला है, मेरा भी हेल्थ का मामला है। तो सही से प्रोडक्ट यूज कीजिए, सही प्रोडक्ट यूज कीजिए और फेक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अच्छे से रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।